वाटर इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स, हम किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? इट इज द मास ऑफ वाटर विच वुड गिव सेम राइज इन टेम्परेचर ऑन गिविंग सेम अमाउंट ऑफ हीट। इट इज द मास ऑफ वाटर। पहली बात तो क्या, वाटर इक्विवेलेंट इज ए मास ऑफ वाटर विच वुड गिव सेम राइज इन टेम्परेचर ऑन गिविंग सेम अमाउंट ऑफ हीट। समझते हैं क्या? सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s। इसको हमने सपोज कुछ हीट दी डेल्टा q, तो इसका कुछ टेम्परेचर राइज हो जाएगा, सपोज डेल्टा t। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा t। अब सपोज मैंने कुछ w के जी ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और उसको भी डेल्टा q हीट दी और देखा कि डेल्टा t राइजिंग टेम्परेचर हो गया, सेम राइजिंग टेम्परेचर हो गया। तो जो मैंने अमाउंट ऑफ वाटर लिया है स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। मतलब सेम हीट देने पर अगर सेम टेम्परेचर राइज हो गया तो जो मैंने अमाउंट ऑफ वाटर लिया है उसी को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। ये दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट कंपेयर करो तो मैं लिखता हूँ डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस। यहाँ से देखो वाटर इक्विवेलेंट डब्ल्यू क्या निकल के आ गया, एम इंटू एस डिवाइड बाय एस डब्ल्यू। ये यहाँ से वाटर इक्विवेलेंट ये काय में आएगा, अगर मैंने ऐसा यूनिट में बात करी है तो केजी में आएगा, और यूनिट के हिसाब से जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा। समझ में आया वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ये तरीका है, सेम हीट देने पर अगर सेम राइजिंग टेम्परेचर हो गया तो जो वाटर का अमाउंट मैंने लिया है स्टूडेंट उसी को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। अब समझते हैं स्टूडेंट की वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स, कैलोरीमीटर का यूज मेनली सॉलिड सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए किया जाता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक सब्सटेंस तो वो रखते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करनी होती है, और दूसरा सब्सटेंस वो होता है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता होती है। फिर हम हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन का कंसेप्ट लगाते हैं और फाइनली इस अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। जनरली स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा सब्सटेंस होता है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता होती है, ये वाटर होता है। वाटर क्यों होता है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि ये इजीली अवेलेबल है, और दूसरा कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस अचीव करना और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करना बहुत आसान है। वाटर को बॉइल करने के लिए छोड़ दो तो जब वो बॉइल करना स्टार्ट करता है तो उस वक्त जो वाटर का टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और सिमिलरली उसको अब फ्रीज करो तो जब आइस बनना स्टार्ट हो जाती है तो जो टेम्परेचर होता है वाटर का स्टूडेंट्स वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों अचीवेबल है इस कारण से भी। अब जब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कैलोरीमीटर में पहले वाटर भर देते हैं, तो वाटर और कैलोरीमीटर को काफ़ी टाइम मिल जाता है साथ साथ, जिस कारण से वाटर और कैलोरीमीटर इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। मतलब कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर होगा और वाटर का टेम्परेचर समान हो चुका है। अब सपोज हमने एक ही ऑब्जेक्ट लाया जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है, सपोज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर वाटर, तो जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट अंदर डाला क्या होगा, हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हीट देना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और हीट कौन ले रहे होंगे, ये वाटर लेगा और कैलोरीमीटर भी तो लेगा। तो क्या करना है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। एक बार इक्वेशन लिख के देखते हैं। सपोज जो ऑब्जेक्ट आया है उसका मास है m o, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी एस ओ निकालना है, फाइनल टेम्परेचर सपोज टी है, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, जो कि टी नॉट बड़ा है टी से, टी नॉट माइनस टी, इतनी हीट लूज करी होगी ऑब्जेक्ट ने, किन्ने ली है वाटर ने और कैलोरीमीटर ने। तो वाटर का मास सपोज एम डब्ल्यू, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी एस डब्ल्यू जो हमें पता है, इनटू फाइनल टेम्परेचर टी माइनस टी डब्ल्यू, और किसने हीट ली है तो कैलोरीमीटर ने। मैं लिखूंगा मास ऑफ कैलोरीमीटर सपोज सी है एम सी, स्पेसिफिक कैपेसिटी एस सी टी माइनस टी डब्ल्यू। इस तरीके से अगर हमें सारी वैल्यू पता है तो एस नॉट आराम से निकल जाएगा। एस नॉट को निकालना है तो हमें मास ऑफ कैलोरीमीटर और
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, जिस मटेरियल का कैलोरीमीटर बना है ये पता होना चाहिए। बट एक्चुअली स्टूडेंट जब आप मार्केट में कैलोरीमीटर लेने जाते हो तो कैलोरीमीटर पे जो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें ये कैलोरीमीटर का मास और उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं होती है, उसकी जगह पे दिया जाता है वाटर इक्विवेलेंट। मतलब हमें दे दिया है W वाटर इक्विवेलेंट, तो वाटर इक्विवेलेंट देने से इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा स्टूडेंट्स? चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में। सपोज़ ये जो टर्म है ये है डेल्टा क्यू के बराबर, तो ये डेल्टा क्यू हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कैलोरीमीटर और उसी कंटेंट ने कितनी हीट ली। कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट से मेरा मतलब है इस कैलोरीमीटर के पास है थर्मामीटर, इस कैलोरीमीटर के साथ आया होगा ये स्टीरियर, प्लस कैलोरीमीटर की खुद की बॉडी भी है, इन सब ने हीट ली है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस नॉट निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि थर्मामीटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, इसका मास क्या है। सिमिलरली इस स्टीरियर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उसका मास क्या है, प्लस ये बॉडी ऑफ कैलोरीमीटर के लिए भी यही डिटेल्स चाहिए हमें। तो तीन चार टर्म और ऐड हो जाती है और हमारे लिए काम मुश्किल हो जाता। लेकिन शॉपकीपर कहता है कि सर जी आपको इसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हमने आपको इस कैलोरीमीटर की जगह पे दे दिया है कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट। मतलब इस कैलोरीमीटर ने डेल्टा क्यू हीट ली है तब जाके टी माइनस टी डब्ल्यू का राइजिंग टेम्परेचर दिया है, हमने आपको इसके इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर दे दिया है जो कि सेम हीट लेके सेम राइजिंग टेम्परेचर देगा। तो आप ऐसा मान लो कि ये जो कैलोरीमीटर है ये वाटर का बना है, कितने ग्राम वाटर का? तो डब्ल्यू ग्राम वाटर का। आप लिखो एस डब्ल्यू टी माइनस टी डब्ल्यू, ये जो नीचे वाला टर्म है ये भी डेल्टा क्यू के बराबर ही आएगा। तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, एम नॉट एस नॉट टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टी माइनस टी डब्ल्यू। मतलब ऐसा अब तो ऐसा लग रहा है कि हीट एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट और वाटर के बीच में हो रहा है, बस एक्स्ट्रा वाटर ऐड हो गया है डब्ल्यू की जगह पे। ये डब्ल्यू क्या है? इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैलोरीमीटर। मतलब हमने क्या मान लिया कि ये कैलोरीमीटर भी वाटर का बना हुआ है, तो अब क्या है कैलोरीमीटर की जगह पे पूरा वाटर है और अंदर हमने और एम डब्ल्यू ऑफ वाटर डाल दिया है, तो हीट एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट और वाटर इसमें होगा। ये इक्वेशन का यूज़ करो स्टूडेंट्स और एस नॉट हम निकाल लेंगे एकदम एग्जैक्टली वही जितना कि डिटेल्स फाइंड आउट करने के बाद निकालते। तो ये है यूज़ वाटर इक्विवेलेंट का और ये कारण भी है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।